तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी से चैट करनी है, किसी रैंडम पर्सन से चैट करनी है, फॉर एग्जांपल ओएलएक्स के थ्रू आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, उस बंदे से आपने व्हाट्सएप के थ्रू चैट करनी है, सबसे पहले आप उसका जो है वो नंबर सेव करते हैं, उसके बाद जाकर जो है व्हाट्सएप के अंदर आपकी आता है वो नंबर और तब आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू उसमें चैट कर सकते हैं। या इसके अलावा आपको कोई रैंडम पर्सन मिलता है, यूट्यूब का आपका चैनल है, कमेंट्स में आपका कोई नंबर मांगता है और उसके बाद जो है वो आपके साथ ऐड हो जाता है, तो अब उसमें सीन ही होता है कि वो बंदा आपका कॉन्टैक्ट भी सेव कर लेते हैं और आप उसका भी कॉन्टैक्ट सेव कर लेते हैं। तो फ्यूचर में अगर आप कोई स्टेटस वगैरह लगाते हैं या किसी तरह की कोई और एक्टिविटी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो उसको पता लगती रहती है, मतलब जिस तरह की आपके दूसरे फ्रेंड्स वगैरह को जो आपका क्लोज सर्कल होता है उसको पता लगती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपने किसी ऐसे रैंडम पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है जिससे आपने सिर्फ एक दो बार बात करनी है, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है जिसके थ्रू आपको उसके नंबर को सेव करने की झंझट यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो झंझट आप उससे जो है वो आज़ाद हो जाएंगे, कह लीजिए मुक्त हो जाएंगे उससे, और आप इजीली जो है उस पर्सन से एक या दो बार कॉन्टैक्ट कर सकेंगे और उसकी डिटेल आपके पास भी नहीं आएगी और आपकी डिटेल उसके पास भी नहीं जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप लोगों ने अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च ऑप्शन में सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है nocontactapp.com, ठीक है, nocontactapp.com लिखना है आपने। आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है, nocontactapp.com पर आप आ गए। यहाँ पर यहाँ में लिखा हुआ है सेंड अ व्हाट्सएप डायरेक्ट विदाउट एडिंग टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप लोगों को ऐड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से आपने मैसेज सेंड कर देना है, ठीक है, चाहे कंप्यूटर से आप अपना ब्राउजर लॉग इन करते हैं या मोबाइल फ़ोन से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई यहाँ पर ममानियत या पाबंदी नहीं है, ठीक है। अब ये ग्लोबल वेबसाइट है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, तो इसमें आपने कोड भी डालना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक यूफोन के नंबर को मिलाते हैं, मतलब यूफोन के नंबर को आपने मैसेज सेंड करना है, तो +92 पाकिस्तान का कोड आप लगाएंगे और उसके बाद अगर 0333 वाला है तो 0 को छोड़ के 333 मतलब 333 ये लिखेंगे आप, और उसके बाद फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 उसका नंबर है, ये नंबर लिखने के बाद उसका नंबर जब आप पुट कर देंगे उसके बाद आपने मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अगर उसका व्हाट्सएप का अकाउंट बना होगा तो यहाँ पर देख लीजिए मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, क्योंकि वो हमने यहाँ पर जो है नंबर एक गलत दिया, मतलब एक फर्जी नंबर दिया है, तो अगर उसका व्हाट्सएप यहाँ पर बना होगा तो आप इजीली जो है उसको मैसेज कर सकेंगे और आपको जो है उसका नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक जो है वो अलग से चैट ओपन हो जाएगी इसी वेबसाइट पर, तो आप उससे आरजी एक चैट करके आप वेबसाइट क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।